हेलो गाइस uh, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बिल्स तो आपने ऑलरेडी टाइटल में पढ़ लिया है रियलिटी ऑफ ब्लैक बिल्स तो क्या होता है ये ब्लैक बेल इतना हम सुनते हैं मतलब लोग हमारा मैं बचपन में तो मैं मतलब कोई भी अगर ब्लैक बेल बोलता था था मतलब तब तो मतलब ये हो जाता था मैं बहुत ही शौक में चला जाता था वा ब्लैक बेल्ट ऐसा कुछ करके बहुत मतलब समझता था कि बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट होगा ऐसे ब्रूस्टी जैसा होगा कुंफू मतलब जैटली जैसा कुछ उड़ उड़ के मारेगा ऐसा कुछ सोचता था मैं ऐसा एक कॉन्सेप्ट था मेरा नहीं सबका था शायद आपका भी था अभी भी है शायद अभी भी बहुत लोगों का है ब्लैक बेल्ट बोलने से मतलब कोई एकदम सुपर ह्यूमन होगा ऐसा कुछ सोचते हैं ना तो आज वही बोलने वाला हूँ कि ब्लैक बेल्ट होता क्या है तो मेरे ख्याल से फिलहाल मेरे लिए ब्लैक बेल्ट का वैल्यू जो मैं ब्लैक बेल्ट का वैल्यू देता हूँ इज जस्ट अराउंड सिक्स टू एट थाउजेंड उतना ही वैल्यू है क्योंकि आज वो पहले का जो हम मतलब एंशियन टाइम का जो ब्लैक बेल्ट होता था वो आज नहीं है आज का ब्लैक बेल्ट में ना कुछ फाइटिंग का एलिमेंट्स है ना ही कुछ मतलब आ, ऐसा एलिमेंट है जिससे आप उनको कंसिडर कर सकें एज ए फाइटर या या फिर मार्शल आर्टिस्ट क्योंकि जो भी जो भी सिस्टम है ब्लैक बेल्ट लेने का उसमें बस तालु होता है डेमोन्स्ट्रेशन होता है और एक फीस होता है उसके अलावा कुछ नहीं होता मैं ज़्यादा से ज़्यादा विजेजे में होता है मतलब ब्राजीलियन जूजसो में जब ब्लैक बेल्ट देते हैं या फिर जूदो वगैरह में ब्लैक बेल्ट देते हैं उसमें डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा टेक्निक का डेमोन्स्ट्रेशन होता है लेकिन उसमें उस उस सर्टिफिकेट का भी वही ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू है कि आप बस टेक्निक जानते हैं उस सर्टिफिकेशन का उस सर्टिफिकेट का वैल्यू ये नहीं है कि आप एक फाइटर है एक आप एक कम्प्लीट मार्शल आर्टिस्ट है ये नहीं है तो वैसे तो बोलना नहीं चाहिए फिर भी हमारे यहाँ पे मेनली ब्लैक बेल जो अनऑथोराइज मतलब ग्रुप्स जो ब्लैक बेल्ट प्रोवाइड करते हैं मतलब जैसे कि नाम नहीं लूँगा फिर भी बहुत सारे हैं आप आपका आसपास भी होगा ऐसे ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्लब होगा जो लोग ब्लैक बेल्ट प्रोवाइड करते हैं तो उनका आप देखिए उनका जो प्रोवाइड करने वाला लोग है उनका भी आप फाइटिंग एक्सपीरियंस देखिए कॉम्बैट एक्सपीरियंस देखिए तब आपको पता चलेगा कि ब्लैक बेल्ट वो वो ब्लैक बेल लेके आपका फ़ायदा क्या है और बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं कि सर क्या मैं ये आपके पास सीख के मुझे ब्लैक बेल्ट मिलेगा सर्टिफिकेशन मिलेगा मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए आपको ब्लैक बेल्ट तो मैं बाद में मेरा मन है कि मैं भी सिखा पाऊँ किसी दूसरे को तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है आप सर्टिफिकेट लेके किसी को सिखाऊंगा ऐसा सोच रहे हैं तो आप वो उनको भी वही सिखा रहे हैं जो आप मतलब खुद अच्छे से नहीं सीख पाए तो उससे एक जनरेशन कंप्लीट ये चल ही रहा है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही रॉन्ग ट्रेनिंग रॉन्ग कॉन्सेप्ट रॉन्ग मतलब बस मतलब एक चीज़ को बहुत बदनाम किया जा रहा है ये ऐसे थ्रू दिस प्रोसेस मार्शल आर्ट्स को आ, मेरे ख्याल से बदनाम किया जा रहा है क्योंकि ऐसे ब्लैक बेल लेके मुझे मिलता है ऐसे ब्लैक बेल्स बहुत सारे रस्ते में मतलब जब झगड़ा होता है फेस्टिवल होता है ब्लैक बेल बोल के बहुत एकदम तगड़ा बन के आते हैं लेकिन बहुत बुरी तरह से पिच जाता है कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ब्लैक बेल लेने का तो आप एक कॉन्सेप्ट रखिए जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना वो आप थ्रू फाइटिंग ही लेना होगा आपको वो आप एक जिद रखिए अंदर कि मुझे नहीं चाहिए मुझे किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कोई आदमी मुझे क्वालिफाई करेगा ये नेसेसरी नहीं है वो जज तो डांस कंपटीशन में होता है ना जज जज नहीं चाहिए ना आपको जज चाहिए आपका सब दिखेगा पूरा ऑडियंस जज होगा आपका तब कि आप कितना फाइट हैं आपका एबिलिटी कितना है ये आप बस अपने खुद के बॉडी और स्किल से दिखा सकते हैं और स्किल और बॉडी जज नहीं किया जाता स्किल और बॉडी में मार्किंग पॉइंट्स किया जाता है स्कोरिंग किया जा सकता है तो वैसा सर्टिफिकेट आप कलेक्ट करने को ट्राई कीजिए थ्रू योर एक्सपीरियंस नॉट थ्रू योर मतलब कोई सो कॉल्ड एग्जाम दे दिया आपने उससे आपको ब्लैक बेल्ट मिल गया वो उसका कोई फ़ायदा नहीं तो मेरा आज वही बोलना था कि जो भी ब्लैक बेल्ट है कुछ ऐसा नहीं कि मैं सबको बोल रहा हूँ लेजिट भी है लेजिट ब्लैक बेल्ट मतलब जो एक्चुअली में जानते हैं वैसे लोग भी है और लेकिन 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट जो ब्लैक बेल बोल के सोकॉल ब्लैक बेल बोल के आसपास घूम रहे हैं उनका फिटनेस भी देखने से आपको पता चलेगा रिसेंटली मैंने एक का वीडियो भी बनाया उन वो भी ब्लैक बेल पहनते हैं तो वो सब आप देख लीजिएगा तो कैसा होता है वो ब्लैक बेल्ट तो ये जो ब्लैक बेल्ट पहन के घूम रहे हैं उनको आप आइडियल नहीं मान सकते उनसे आप कोई भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका अगर फ़ायदा चाहिए आपको अगर फाइटिंग सीखना है आपको मार्शल आर्ट सीखना है एज ए रियल सेंस मार्शल आर्ट सीखना आप बस वो डांस वाला मूवमेंट नहीं करना है तो आप एक लेजिट फाइटर के पास जाइए लेजिट एक्सपीरियंस प्लेयर के पास जाइए चाहे वो रेस्लर हो रेस्लर से भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा चाहे वो बॉक्सर हो चाहे वो किक बॉक्सर हो चाहे वो मॉय थाई हो एम एम ए फाइटर हो उशू प्लेयर हो कुछ भी हो साम्बो हो जहाँ पे वो लेजिटेमटली उन्होंने फाइट किया है जहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया है फ़ाइट को स्पैरिंग को वैसे लोगों के पास जाइए और सर्टिफिकेट मत मांगिए नॉलेज मांगिए नॉलेज के लिए सीखिए ना कि सर्टिफिकेट के लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका सजेशन भी लिख सकते हैं और मेरे ट्रेनिंग के साथ और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू